हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल टॉपर स्टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का हेयर। गाइस, इस वीडियो में हम प्रीलिम फोकस्ड करंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2020 के। तो देखिए, इसमें जो पॉइंट्स रखे जाते हैं वो यूपीएससी, ईपीएफओ, स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज, सबके प्रोस्पेक्टिव से रखे जाते हैं कि जिस एग्ज़ाम में जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे पॉइंट्स यहाँ पे रखे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और जब आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ऑल अपडेट्स पे आप क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस पे आपको वीडियो का अपडेट मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम न्यूज़ देखते हैं वो ये है कि जो लग्जमबर्ग है, डेट इज़ अ यूरोपियन कंट्री, वो ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने कि अपने सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है। जैसे हमने अपने दिल्ली में भी देखा था कि जो केजरीवाल गवर्नमेंट थी उसने फीमेल्स के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, बसेस थे, उनको फ्री किया था। पर यहाँ पे हर किसी के लिए, कोई फीमेल का नहीं रखा गया है, चाहे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे या किसी भी तरीके का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, सबके लिए फ्री कर दिया है। तो अगर हम लग्जमबर्ग के लिए देखते हैं कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो देखिए, जो यूरोपियन यूनियन है उसमें जितनी भी कंट्रीज़ है उनमें से लग्जमबर्ग सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री में आता है, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री में आता है। बट ये फिर स्टेप लेने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि देखिए लग्जमबर्ग में डेली जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज है लाइक बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, उनसे 0.2 मिलियन पैसेंजर्स लग्जमबर्ग में आते हैं फॉर देयर जॉब, ठीक है। जिसकी वजह से जो कार ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे स्टडीज़ देखी गई है कि हर पर्सन का, अगर हम देखते हैं वीकली या फिर 2-3 दिन में देखते हैं, तो 16 आवर्स सिर्फ ट्रैफिक में ही वेस्ट होते हैं। और अगर हम देखते हैं 2020 की ट्रैफिक इंडेक्स की स्टडी को, इंडेक्स के हम रैंकिंग को देखते हैं, तो लग्जमबर्ग को मोस्ट कंजेस्टेड सिटी का नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि ये जो कंजेशन है, ट्रैफिक है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो भी लग्जमबर्ग के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ली है। तो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर आप मैप में देखेंगे कि ये जो छोटा सा बीच में आपको दिख रहा है, दिस इज़ लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग के जो ऊपर आपको ये ग्रीन कलर की कंट्री दिखाई दे रही है, दिस इज़ बेल्जियम, फिर यहाँ साइड में है जर्मनी और नीचे है फ्रांस। तो ये तीनों कंट्रीज से लग्जमबर्ग यहाँ पे सराउंडिंग है। इसको दोबारा एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए और ये आप नोट भी करते जाइए साथ के साथ, क्योंकि जब आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हैं और फिर उसको जस्ट रिवाइज करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और फिर आप उसको कभी नहीं भूल पाते। तो नेबरिंग कंट्रीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसने एक न्यू गाइडलाइंस इशू करी है और कमिटी बनाई है, कमिटी ऑन कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स गाइडलाइंस। देखिए है क्या बेसिकली, एक जो स्टेट पीसीएस के बेसिस पे आप देखिए कि यहाँ पे नाम पूछा जा सकता है कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है इसके हेड कौन है। तो एनसी सक्सेना के अंडर इस कमेटी को बनाया गया है, और जो एनसी सक्सेना थे वो पहले मेंबर रह चुके थे प्लानिंग कमीशन के। तो देखिए, ये जो कमेटी करी गई है कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे, उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो देखिए, ज़रूरत क्या पड़ी है जब पहले से ही कोई एक्ट है तो कमेटी बनाने की। तो देखिए क्या होता है कि जो FRA एक्ट है 2006 की, उसमें ये कहा गया था कि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उनको उनकी लैंड के ऊपर हैबिटेट राइट्स देने हैं, और जो प्री एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ है उनको भी हैबिटेट राइट्स प्रोवाइड कीजिए, और ये जिम्मेदारी स्टेट्स को दी गई। बट यहाँ पे सेवरल स्टेट्स जो हैं वो ऐसे हैबिटेट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं अब तक, इस वजह से ये कमेटी सेटअप की गई है। तो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपको दो चीज़ याद रखनी है, एक तो जो एनसी सक्सेना है उनका नाम आपको याद रखना है फॉर योर स्टेट पीसेस, दूसरा ये जो कमेटी सेटअप की गई है ये कौन सी एक्ट के अंडर की गई है, और तीसरा कि ये जो टारगेट रखा गया था कि आपको हैबिटेट्स को रिकॉग्नाइज करना है स्टेट्स इन कम्युनिटीज़ के लिए, वो अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया। तो वो नहीं हो पाया अब तक, इसी वजह से ये बनाई गई है। एक जो फैक्ट है जो कि अभी 2-3 साल से यूपीएससी जिस तरफ इंक्लाइन होता जा रहा है फैक्ट बेस्ड, ऐसा कोई मतलब अपनी कंट्री का नहीं दूसरी कंट्री का फैक्ट पूछ लेता है तो आप ऐसे हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से है। तो देखिए, चाइना का पोल्यूशन सबको पता है कि
इंडिया से पहले चाइना में पोल्यूशन आता है, तो चाइना के पोल्यूशन से इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बनता है। तो अगर हम देखते हैं नासा की रिपोर्ट को, तो नासा ने इस बार ये कहा है कि जो कोविड-19 एक तरीके का वायरस फैला है, कोरोना वायरस फैला है चाइना के अंदर, तो उसकी वजह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो पाया चाइना के अंदर। और जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो पाया इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से और वायरस के डर से, तो यहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड का पोल्यूशन हुआ करता था चाइना में न्यू ईयर के बाद, वो नहीं हुआ है। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड के पोल्यूशन का लेवल है वो कई सालों के कंपैरिजन में घटा है। तो यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड का पोल्यूशन घटा है चाइना के अंदर, और दूसरी चीज़ कि कौन सी कंट्री का घटा है, तो चाइना का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ अबाउट ग्लोबल कोलिजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉन्च ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो देखिए 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए ग्लोबल कोलिजन को बनाया गया। जो ग्लोबल कोलिजन फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉन्च की गई है वो यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च की है, और यहाँ पे इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी। देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी का कोलिजन बनाया गया है ये किस लिए किया गया है, जितने भी वर्ल्ड के अंदर नेशनल पार्क्स हैं, एक्वेरियम्स हैं, जूज हैं, बोटैनिकल गार्डन्स हैं या फिर साइंस म्यूजियम हैं, उन सबको ये यहाँ पर देखेगा, इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाएगा, उसको मॉनिटर करेगा। और देखिए इसको इतनी जल्दी सेटअप क्यों किया गया है, क्योंकि अक्टूबर 2020 चाइना के अंदर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने वाली है। तो यहाँ पे ये एम रखा गया था कि ऐसा कोई कन्वेंशन हो उससे पहले ही हमें ऐसा कोलिजन बनाना चाहिए, ताकि जितना भी डाटा है और जितनी भी मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर हो सके। क्योंकि यहाँ पर एक IBPES की फाइंडिंग आई है, जिसकी IBPES जो है उसकी फाइंडिंग में ये बताया गया है कि अगर हम टोटल स्पीशीज को देखते हैं वर्ल्ड की, तो 1 बिलियन स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन के रिस्क के अंदर है। तो देखिए अगर IBPES ने ऐसी फाइंडिंग दी है, और ऐसी फाइंडिंग आते ही एक कॉन्स्टिट्यूशन भी कर दी गई है कन्वेंशन यहाँ पे, तो इसकी इतनी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि IBPES है क्या, तो इट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ये एक प्लेटफॉर्म है डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल पे, आप इसको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में, जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और जो इकोसिस्टम की सर्विसेज होती है उसके लिए यहाँ पे काम करता है। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2012 में पनामा सिटी में। पनामा सिटी में एस्टैब्लिश होने के बाद 94 कंट्रीज जो है उन्होंने इसको साइन किया था, और अभी अगर हम मेंबर कंट्रीज को भी देखते हैं तो वो भी 94 ही है। एक चीज और आपको यहां पे याद रखनी है कि UN के अंदर इसको सेक्रेटरी प्रोवाइड किया जाता है, बट ये UN का पार्ट नहीं है। तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस बिल टू अमेंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो देखिए 2-3 दिन पहले के ही जो डेवलपमेंटल रिलेटेड इशूज़ थे उसमें मैंने अच्छे से आपको कोऑपरेटिव बैंक्स की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, कौन किसको रेगुलेट करता है, वो सारा अच्छे से बताया था। तो उसी से रिलेटेड ये एक और न्यूज़ आई है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पे काम किया जाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने का। तो एक क्वेश्चन उठ के आता है कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए ही इस तरीके से रेगुलेशन एक्ट क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए अभी जैसे पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स में फ्रॉड हुए हैं, ऐसे फ्रॉड्स को बचाने के लिए, रोकने के लिए ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ रही है। और अगर हम अभी देखते हैं कि इसमें कितने कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट किया जाएगा, तो टोटल 1,540 कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। बट यहां पे एक कंडीशन रखी गई है कि जिन बैंक्स की सेविंग रुपीज़ 5 लाख करोड़ से ज़्यादा होती है या फिर उतनी होती है, उन्हीं बैंक्स को यहाँ पे रेगुलेट करने की बात कही गई है। बैंकिंग रेगुलेशंस के साथ एक चीज़ और कही गई है कि देखिए जब भी कोई फ्रॉड होता है तो जितने भी स्मॉल डिपॉजिटर्स होते हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, तो उनकी सफरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे मेजर्स लिए जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब फ्रॉड का टाइम होता है तो उस टाइम जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि सिर्फ आप 1,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर सकते हैं, तो 1,000 रुपीज़ में तो क्या ही होता है। तो इस जैसी कंडीशन को रोकने के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस लाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली 2 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर लाए जाएंगे चेंजेस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अगर आपको इसकी पूरी क्लासिफिकेशन चाहिए कि कितने कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट, और EPFO प्रोस्पेक्टिव से तो और भी ज़्यादा है। तो मल्टी स्टेट, अर्बन और जितने भी फिर आपके रूरल बैंक आते हैं या फिर
वन स्टेट आते हैं और फिर कौन किसको रेगुलेट करता है, तो प्लीज़ आप वो उस वीडियो में जाके देख लीजिए अच्छे से। फिर देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, अगर हम उनको देखते हैं मल्टी स्टेट लेवल पे जिनमें कि अमेंडमेंट लाने की बात कही जा रही है, तो उसको दो ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल करती है, फर्स्ट इज़ RBI एंड सेकेंड इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो अब ये जो ड्यूअल रेगुलेशन होती है इसमें भी अमेंडमेंट लाने की बात कही गई है। यहाँ पे जो RBI है उसको एक्स्ट्रा पावर्स दे दी जाएगी कि रेगुलेटिंग फंक्शंस के अलावा भी कुछ अलग पावर्स यहाँ पे दी जाएगी, जैसे कि कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करना कोऑपरेटिव बैंक्स का। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होगा कोऑपरेटिव बैंक्स का वो अभी भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास ही रखा जाएगा। तो आज की जितने भी प्री फोकस्ड इवेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।